भारत सरकार द्वारा नागरिकों को कौशल ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया पोर्टल को शुरू किया गया है। इस पोर्टल को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा ऑपरेटेड जो है कि किया जाता है, जिसके माध्यम से देश भर के नागरिक विभिन्न प्रकार की कौशल ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल पर ट्रेनर एवं कैंडिडेट दोनों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस पोर्टल पर 538 ट्रेनिंग पार्टनर एवं 10,373 ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध हैं। देश के नागरिक जो है कि इस पोर्टल की सहायता से रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। स्किल इंडिया पोर्टल के जरिए जो है कि देश के 20.45 लाख नागरिकों को कौशल ट्रेनिंग प्रदान की जा चुकी है, जिसमें से जो है कि लगभग जो है कि 1.86 लाख नागरिकों को रोजगार भी प्राप्त हो चुका है। यह पोर्टल नागरिकों को आत्मनिर्भरता एवं सशक्त बनाने से लाभकारी साबित होगा। साथ ही नागरिकों के जीवन स्तर में जो है कि वृद्धि होगी और देश के बेरोजगार दर में गिरावट लाने के लिए भी यह जो है कि एक कारगर साबित हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कैसे ट्रेनिंग सेंटर आपको चुनना है, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, सारी कुछ जो डिटेल्स है हम बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करें हम तो स्किल इंडिया पोर्टल में जो है कि आवेदन करने के लिए आपके पास जो ज़रूरी दस्तावेज क्या होने चाहिए उसको हम समझ ले। तो देखिए, आवेदक जो है कि भारत का अस्थायी निवासी होना चाहिए, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का जो है कि सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक जो है कि वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिस पे आप लेटेस्ट जो है कि अपडेट रहते हों। ये रही आपके महत्वपूर्ण कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आवेदन के दौरान आपके लगने वाले हैं। और उसके बाद जो है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें तो उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, वीडियो की स्क्रीन पे आपको एक ऑफिशियली लिंक शो हो रहा होगा जिसके माध्यम से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ऑफिशियली साइट पे आपको आ जाना है जो कि वीडियो की स्क्रीन पे आपको शो हो रही है। और इस पे आने के बाद आपको जो है कि एक होम पेज खुलकर आएगा, और जैसे ही आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो है कि आई वांट टू स्किल माई सेल्फ के विकल्प पे जो है कि क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आई वांट टू स्किल माई सेल्फ के विकल्प पे जो है कि क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर जो है कि आपको मालूम की गई सभी जानकारियां जो है कि दर्ज करनी होगी, जैसे बेसिक डिटेल्स, लोकेशन डिटेल, प्रीफ्रेंस, एसोसिएटेड प्रोग्राम, इंटरेस्टेड, किस में आप इंटरेस्टेड हैं, सारी कुछ डिटेल्स जो है कि आपको इसमें भरना होगा। अंत में जो है कि आपको सबमिट के विकल्प पर जो है कि क्लिक करना होगा, और इस तरह से आप जो है कि स्किल इंडिया पोर्टल पर जो सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन है वो कर लेंगे। अब बात करें इसमें कि देखिए आपको इसमें लॉगिन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको स्किल इंडिया पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब उसके सामने आपको होम पेज आएगा, इसके पश्चात जो है कि आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करते ही आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन होगा। इस पे आपको जो है कि अपना जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा इसमें लॉगिन हो जाइएगा, और इस प्रकार से आप जो है कि इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो ये थी स्किल इंडिया पोर्टल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इससे आपको लाभ क्या क्या मिलता है, इसमें रोज़गार के जो अवसर कैसे उपलब्ध होते हैं। तो सारी कुछ जो जानकारी हम आपको बता चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको मदद भी मिली होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।